आपको बता दें उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी जिलों की ग्राम पंचायतवार आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। कल से सभी से आपत्ति मांगी गई है। 8 मार्च तक आपत्तियां दर्ज होंगी, उसके बाद 12 मार्च तक उसका निस्तारण कर 15 मार्च तक आरक्षण की फाइनल लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। आपको बता दें राज्य निर्वाचन आयोग से मिल रही जानकारी के मुताबिक एक बार आरक्षण लिस्ट फाइनल मिलने के बाद 25-26 मार्च तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 10 अप्रैल के बाद से 4 चरणों में पंचायत चुनाव की घोषणा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग इसके संकेत पहले ही दे चुका है। उधर आरक्षण सूची को लेकर दावेदारों की बेचैनी कल से ज्यादा बढ़ गई है। आगरा, अमेठी, देवरिया, जालौन, एटा और सहारनपुर में ग्राम पंचायतों की आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। अन्य जिलों में भी आज आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें जिले के विकास भवन और ब्लाकों पर चस्पा कर दी जाएगी। वहीं पिछली व्यवस्था में कई ऐसी पंचायतें बच गई हैं जिन्हें न ओबीसी के लिए आरक्षित किया जा सका और न ही अनुसूचित जाति के लिए, लिहाजा इस बार चक्रानुक्रम के तहत ये नया फार्मूला अपनाया गया। इसी बीच आपको बता दें कि आरक्षण सूची जारी होने के बाद अब दावेदार जुगाड़ में जुटे हैं। उधर जैसे जैसे आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है, दावेदार उसी के मुताबिक अपनी प्लानिंग करने में जुट गए हैं। बदले आरक्षण की वजह से खुद चुनाव न लड़ पाने की वजह से इस स्थिति में वे अपने समर्थकों को मैदान में उतारने की तैयारी में जुटे हैं। दावेदारों की कोशिश है कि अगर वे खुद नहीं लड़ सकते तो उनकी जगह उनका कोई समर्थक मैदान में होगा। चलिए अब जानते हैं कि चुनाव आयोग ने अभी तक जो कार्यक्रम तैयार किया है वो किस प्रकार है। आपको बता दें 25-26 मार्च को पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अप्रैल की शुरुआत से ही नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें 10 अप्रैल को पहले चरण का मतदान करवाने की तैयारी है। 2 से 3 दिन के अंतराल पर अन्य 3 चरणों का मतदान करवाकर ये प्रक्रिया 23 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। नामांकन प्रक्रिया 2 दिन, नामांकन दाखिले 2 दिन, नामांकन पत्रों की जांच 1 दिन, नामांकन वापसी 1 दिन, चुनाव चिन्ह आवंटन और नामांकन वापसी के बाद से 6 से 7 दिन चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित होंगे। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि एक चरण के चुनाव में नामांकन दाखिले से लेकर मतदान तक 12 से 13 दिन का समय लगेगा। प्रदेश के 75 जिलों में होने वाले इस चुनाव में प्रत्येक चरण में 18 से 19 जिलों में एक बार में मतदान कराया जाएगा। इन चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 5.4 लाख मतपेटियों, कुल 12.5 करोड़ मतपत्रों की व्यवस्था की है। आयोग की वोटर लिस्ट में करीब 12.5 करोड़ ग्रामीण मतदाता हैं। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव आयोग मार्च के आखिरी सप्ताह में चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। पेपरलेस होगा इस बार पंचायत चुनाव। कोरोना महामारी के कारण इस बार यूपी पंचायत चुनाव पेपरलेस होने वाला है। उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर मतदान और काउंटिंग तक सभी कुछ ऑनलाइन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।